हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल के प्रीवियस सेशन में हमने इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स देखे थे। उसमें हमने बेसाल्ट और ट्रैप देखा था, नाइस देखा था, क्वार्ट्जाइट देखा था, मार्बल देखा था, स्लेट देखा था, ग्रेनाइट देखा था। तो ऐसे ऐसे टाइप के हमने इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन देखे थे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, यानी कि पत्थर के जो नेचुरल स्तर होते हैं, यानी कि नेचुरल स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं, नेचुरली स्ट्रेटिफाइड स्टोन, वो हमें देखना है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन देखना है। तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है और किसके लिए ये ज़रूरी होता है, ये हमें इस थियरी में देखना है। इसके अलावा और एक हम थियरी देखने वाले हैं, वो जो है वो है आर्टिफिशियल स्टोन। ओके, अब तक हमने नेचर में जितने स्टोन आते थे वो देखे हैं, लेकिन उसके बाद हमको आर्टिफिशियल स्टोन देखने हैं कि आर्टिफिशियल स्टोन किस किस टाइप के आते हैं और उनका लास्ट में हमें यूजेस देखना है आर्टिफिशियल स्टोन का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं नेचुरल बेड ऑफ स्टोन से। तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो जो हमारे सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, यानी जो जलकृत रॉक्स होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेटिफाइड होते हैं, वो आपको पता है। वो मैं सभी लेक्चर में ज़्यादातर मैंने बताया हुआ है कि सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं वो ऑलवेज स्ट्रेटिफाइड होते हैं। ओके, और आइजीनियस टाइप के जो रॉक्स होते हैं वो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक का जो सेडिमेंटरी जो रॉक होता है वो इतना मजबूत होता नहीं है कि वो एक ही ढांचे में रह सके। इसलिए सेडिमेंटरी रॉक है ना, वो अलग अलग सरफेसेस पे होता है, यानी कि अलग अलग स्ट्राटा में होता है, इसलिए उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोल सकते हैं अपने। ओके, अब ये जो रॉक्स है उनका जब प्रोडक्शन होता है तब क्या होता है कि अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, यानी कि अलग अलग जो चीज़ वस्तुएँ होती है, वो टर्न बाय टर्न ये रॉक्स के ऊपर बैठती है, यानी कि ले डाउन होती है। तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो थिकनेस के स्तर बनते हैं, यानी कि स्ट्रेटिफाइड एक प्रोफाइल बनता है पूरा। तो ये जैसे बनता है पूरा प्रोफाइल अलग अलग थिकनेस वाला, उसे ही हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। ओके, ये कैसा किस पत्थरों में ज़्यादातर होता है, वो सेडिमेंटरी रॉक में होता है। सेडिमेंटरी रॉक में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम जाता है तो उसमें अलग अलग टाइप के थिंग्स जो होती है वो उसके जो सरफेस होता है उस पर ले डाउन होती है। तो ये जो ले डाउन होती है, जो अलग अलग चीज़ वस्तुएं, वो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की होती है, यानी कि उसकी उसकी जो थिकनेस जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इससे क्या होता है कि एक स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल बनता है, और उसी स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल को हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब ये जो हमारा जो स्ट्रेटिफाइड एक सरफेस बना, वो एक ही लाइन में हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसा ज़रूरी है नहीं। ओके, क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस्ड होता है, तो वो एक लाइन में होना बिल्कुल असंभव चीज़ है। ओके, तो जैसे जैसे कोई भी अलग अलग थिकनेस वाले पदार्थ उसके ऊपर ले डाउन होते हैं, तो उस हिसाब से उसका जो लाइन होता है वो लाइनिंग ऐसे तय होता है, वो बाय नेचर तय होता है। ओके, अब ऐसे ऐसे जो स्टोन्स होते हैं, यानी सेडिमेंटरी टाइप के स्टोन होते हैं, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन वाले जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो, ये जो अगर स्ट्रेटिफाइड होते हैं उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे तो ही वो ये फोर्स जो है वो बेयर कर सकते हैं। ओके, और अगर जो ये स्ट्रेटिफाइड जो बनी प्रोफाइल उसके पैरेलल ये फोर्सेस लगे, तो ये जो स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल है हमारी, यानी कि जो अलग अलग स्तर है, वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी, यानी कि स्पिल्ट अप हो जाएगी। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन सेडिमेंटरी रॉक में हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल रखनी है। ये चीज़ आपको मगज में फिक्स कर लेनी है, माइंड में फिक्स कर लेनी है कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक हो गए या सेडिमेंटरी रॉक्स हो गए, अगर हमें वो बिल्डिंग स्टोन तरीके का बिल्डिंग एज ए बिल्डिंग स्टोन यूज़ करने हैं,
तो उस पर जो फोर्स आएगा वो हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस रखना है। अगर हम उसे पैरेलल टू स्ट्रेटिफाइड सरफेस रख देंगे तो क्या होगा, वो फोर्स की इफेक्ट से सेडिमेंट्री रॉक्स के जो पूरे स्तर है यानी कि पूरी स्ट्रेटिफाइड सरफेसेस है वो एक दूसरे से स्पिल्ट अप हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट हमें खास ध्यान रखना है। इसीलिए जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक से परपेंडिकुलर रहे, ऐसे रखते हैं। देखो मैंने यही बताया था आगे के पॉइंट में कि अगर कंस्ट्रक्शन में हमें कोई भी बिल्डिंग स्टोन यूज़ करना हो यानी कि सेडिमेंट्री टाइप का खास यूज़ करना हो तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर आए, ऐसा हमें सेटअप बिठाना होगा साइट पे। ओके, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो वो जो स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि ये हमें नेचुरल बेड ऑफ स्टोन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, अब देखो अगर हम वॉल्स की और कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो वॉल्स और कॉलम्स के लिए जो हमारा नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है वो पैरेलल रहे, ऐसे रखना है। ओके, लेकिन हमें एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखनी है कि उसके ऊपर जो भी फोर्सेस आए वो परपेंडिकुलर लगने चाहिए। ये एक बेसिक नॉलेज की बात है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़रूरी है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज किसे बोलते हैं। उसके पहले मैं आपको नेचुरल बेड ऑफ स्टोन की एक फिगर दिखा देता हूँ तो आपको पता चले। देखो जैसे कि यहाँ पे नेचुरल बेड है NB और ये जो लाइनिंग वाले दिखाए हैं आपको वो नेचुरल बेड है उसका, यानी कि ये देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक है तो उस पर जो फोर्सेस आएगा वो ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे जो लाइनिंग करके दिखाया है वो क्या है, उसके स्ट्रेटिफाइड रॉक की अलग अलग सरफेस। अब ये देखो यहाँ पे जो नेचुरल बेड रखा है वो ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि ये आर्च में है इसलिए इसको परपेंडिकुलर रखा है। ओके, बाकी ऑलवेज हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ले डाउन करते हैं ताकि ऊपर से जो कोई भी लोड आए उसके ऊपर वर्टिकली लगे। ओके, तो नेचुरल बेड पोजिशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च हमने ये फिगर देखी। अब उसके बाद मैं आपको ये प्लेन ऑफ क्लीवेज बताना चाहूँगा। अब देखो कई बार क्या होता है, देखो वैसे मेन दो टाइप में बोलू रॉक्स के तो आइजीनियस और सेडिमेंट्री होते हैं। ओके, और आइजीनियस और सेडिमेंट्री पे अगर कोई डिफॉर्मेशन आए बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर और जो दूसरा रॉक हमें मिले इन दूसरे ये दो रॉक्स के अलावा यानी कि आइजीनियस और सेडिमेंट्री के अलावा जो भी रॉक हमें मिले हम उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक में दोनों ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसमें आइजीनियस रॉक्स की भी होगी और सेडिमेंट्री रॉक्स की भी होगी। तो कई बार क्या होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक में भी हमें सेडिमेंट्री जैसे स्तर यानी कि स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल्स देखने को मिलती है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल्स है वो एक दूसरे से जो बहुत ही सूक्ष्म टाइप के कण होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो जब हम कोई भी पत्थर के लिए डिगिंग करते हैं तो कई बार क्या है कि जो हमारे हथियार होते हैं खुदाई काम करने के या डिगिंग करने के वो कोई स्तर पर हम मारते हैं तो वो पत्थर इजीली वहाँ से ब्रश्ड आउट हो जाता है या तो स्पिल्ट अप हो जाता है। तो ऐसे जो सरफेसेस है यानी कि ऐसी स्ट्रेटिफाइड प्रोफाइल है हम उसे प्लेन ऑफ क्लीवेज कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी प्रोफाइल है कि जहाँ पे हम कोई भी पत्थर तोड़ने का हथियार अगर हम लगाए तो वो पत्थर इजीली वहाँ से अलग हो जाता है। ओके, ऐसा प्लेन ऑफ क्लीवेज ऑलवेज हमें मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये देखा कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन किसे बोलते हैं और प्लेन ऑफ क्लीवेज कैसे बोलते हैं। प्लेन ऑफ क्लीवेज हमें कई बार GTU में डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्लेन ऑफ क्लीवेज ऑलवेज मेटामॉर्फिक रॉक में हमें देखने को मिलता है। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल रॉक। तो आर्टिफिशियल रॉक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी सबसे पहले वो देखेंगे। तो आर्टिफिशियल जो है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइट पे हमें जब भी चाहिए तब नेचुरल स्टोन्स ही चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है। ओके, क्योंकि कई बार क्या है कि साइट पे नेचुरली अवेलेबल स्टोन होते नहीं हैं, तो उसकी जगह पे हमें आर्टिफिशियल स्टोन ईजाद करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आर्टिफिशियल स्टोन का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो एक तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें बच जाता है, अगर नेचुरल स्टोन जो हो उसका सोर्स कहीं बाहर के स्टेट में हो तो वहाँ से कोई पत्थर मंगवाना वो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देखने चाहे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसीलिए हम उसके अलावा या उसके स्थान पे कोई आर्टिफिशियल स्टोन यूज़ कर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकल हो जाता है। ओके, अब जो आर्टिफिशियल स्टोन है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और जो मार्बल होते हैं हमारे, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पीसीस होते हैं अलग अलग शेप के, उसका यूज़ करके बना जाता है। ख़ास ध्यान रखना, आर्टिफिशियल स्टोन सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और मार्बल से बनाया जाता है। अब देखो, पहले के टाइम में क्या था कि सीमेंट अभी आई नहीं थी, यानी कि सीमेंट इतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तब क्या करते थे कि जो आर्टिफिशियल स्टोन होते थे वो लाइम में से बनाया जाता था, यानी सीमेंट की जगह पे एंशियंट टाइम में हम लाइम का यूज़ करते थे। देखो, सीमेंट जो है वो एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, वो हमको पता है। तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट पहले के टाइम में नहीं थी, लेकिन लाइम तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है नहीं, तो एंशियंट टाइम में सीमेंट की जगह पे हम लाइम यूज़ करते थे आर्टिफिशियल स्टोन बनाने के लिए। ओके, जो अब ये जो आर्टिफिशियल स्टोन है उसकी जो बाहर की जो सरफेस है वो सीमेंट से ज़्यादा भरपूर होती है, यानी कि वहाँ सीमेंट का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है। ओके, और उससे क्या होता है कि हम जो पिच स्टोन बनाते हैं वो डिज़ायर्ड कलर का होता है। ओके, और ये जो बाहर की सरफेस है जिसमें सीमेंट का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, उसका जो थिकनेस होता है वो 25 से 35 mm तक होता है। तो आर्टिफिशियल स्टोन जो है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से बनाया हुआ होता है, और मार्बल भी होता है उसमें। और एंशियंट टाइम में जब सीमेंट अवेलेबल नहीं थी तब हम उसकी जगह पे लाइमस्टोन का यूज़ करके भी ये पत्थर यानी कि आर्टिफिशियल स्टोन बना सकते थे। आर्टिफिशियल स्टोन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर नेचुरली अवेलेबल स्टोन कहीं दूर की जगह पे अवेलेबल हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है, तो वो कम करने के लिए हम ये टाइप के आर्टिफिशियल स्टोन का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम आर्टिफिशियल स्टोन के टाइप्स। तो सबसे पहले है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। अब उसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है वो सीमेंट होता है, और दो पार्ट जो होते हैं वो हमारे मार्बल के पीसीज होते हैं, उसे मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के कलर के सीमेंट भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट में उसको क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड की जो ब्रिक होती है उससे हम पॉलिश करते हैं, और इसीलिए जो बनते हैं ब्लॉक्स उसे हम सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल स्टोन है। उसके बाद सीमेंट कंक्रीट के हार्ड ब्लॉक। अब हार्ड बनाने हैं तो सीमेंट जो है वो वन पार्ट, और ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट कपची यानी कि ग्रेनाइट एग्रीगेट जो होता है वो फोर्थ प्रोपोर्शंस पे लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करने के बाद उसको जो भी शेप में हमको प्रोड्यूस करना हो वो शेप में हम रख देते हैं, 3 to 4 days रख देते हैं, फिर वो अच्छी तरह से जम जाता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 50 to 16 days के बाद उसे सोडियम सिलिकेट का जो द्रावण होता है यानी कि सॉल्यूशन होता है उसमें इमर्स करते हैं। ओके, यानी कि उसमें हम पूरा उसे डुबो देते हैं। उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 50 Newton per mm तक होता है। ये हो गई बात हमारी सीमेंट कंक्रीट के हार्ड ब्लॉक की। ओके, अब उसके बाद जो है वो है हमारा केमिकल का जो स्टोन होता है वो, यानी कि रासायनिक स्टोन जो बोलते हैं वो। इसमें क्या होता है कि कोई भी ये पत्थर बनाने के लिए कोई भी पत्थर का पाउडर हम यूज़ करते हैं और उसे सोडियम सिलिकेट के साथ पग मिल में मिक्स कर देते हैं। अब पग मिल आप क्ले प्रोडक्ट में देखोगे
कि पग मिल जो है वो प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए यूज़ होती है। ओके, अब जैसे भी वो पेस्ट जैसा बन जाता है तब हम उसे डिफरेंट शेप में बना सकते हैं। ओके, अब जो ये हम शेप में डालते हैं वो एक बार हार्ड हो जाए फिर उसको उसमें से बाहर निकाल के, यानी कि मोल्ड में से बाहर निकाल के कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम उसे इमर्स कर देते हैं, यानी डुबो देते हैं। ओके, तो केमिकल पत्थर बनाने के लिए क्या होता है कि कोई भी स्टोन का जो पाउडर है उसे हम सोडियम सिलिकेट के साथ पग मिल में पहले तो मिक्स कर देते हैं, फिर उसकी पेस्ट को मोल्ड में रख देते हैं, जैसा भी हम मोल्ड बनाना चाहे बना सकते हैं। फिर वो मोल्ड में से जब वो फिक्स हो जाए यानी कि हार्ड हो जाए तब वहाँ से बाहर निकाल के उसे हम कैल्शियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन होता है उसमें डुबो देते हैं। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें एक दूसरे से मिक्स होके कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, और उस टाइम में सोडियम क्लोराइड जो उत्पन्न होता है उसे हम वाटर में वॉश आउट कर देते हैं। तो ऐसे करके हमारा पत्थर जो है वो तैयार हो सकता है, और ये पत्थर का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितना होता है। ओके, इसके बाद फॉर्ड का पत्थर है और आर्टिफिशियल मार्बल होता है, वो ये सब आपके आर्टिफिशियल स्टोन है। तो फॉर्ड का जो पत्थर होता है वो कैसे बनता है, तो इसमें हम ड्राई फाइन सैंड लेते हैं, यानी कि जो एकदम सूखी हुई रहती हो, यानी सूखी हुई रहती हो वो लेते हैं, और लाइम लेते हैं, उसे हम मिक्स कर देते हैं, फिर उसमें वाटर ऐड कर देते हैं और उसको हम मोल्डिंग में छोड़ देते हैं और उसको एक बंद बॉक्स में रखते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो बॉक्स होता है उसे उसमें हम थोड़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं अंदर ही अंदर। ऐसे करने से क्या होगा कि कैल्शियम सिलिकेट बनेगा और उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितना होता है। ओके, तो फॉर्ड का जो पत्थर आता है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितना होता है। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल मार्बल है। अब आर्टिफिशियल मार्बल को हम कांच की प्लेट पे, यानी कि ग्लास प्लेट पे तैयार करते हैं। सबसे पहले ग्लास प्लेट को साफ कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक ऑयल या कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर हम सैंड और पोर्टलैंड सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो ले डाउन करते हैं। ओके, तो ये जो पत्थर है वो मकान के अंदर के साइड, यानी अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर के साइड में और बाहर के पोर्शन में भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये सब आपके आर्टिफिशियल स्टोन हो गए। पहला जो टाइप है वो सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, फिर हार्ड सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है, फिर उसके बाद केमिकल, फिर फॉर्ड, और लास्ट में आर्टिफिशियल मार्बल होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके यूजेस। तो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल स्टोन होते हैं वो कोई भी शेप और साइज़ में बना सकते हैं हम, उसे डिफरेंट शेप में डालने की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि मोल्डिंग के टाइम हमें उसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। फिर उसमें हम अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ हम कोई भी कलर बना सकते हैं आर्टिफिशियल स्टोन में। अब ऐसे पत्थर को अगर हम कोई भी मकान में रखते हैं तो उसमें नेचुरल बेड ऑफ स्टोन देखने की ज़रूरत नहीं रहती है हमें। ऐसे पत्थर हम बनाते हैं तब, देखो ये पत्थर आर्टिफिशियली बनाते हैं तब हमें अगर उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो हम उसमें बार्स रख के भी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे फेज़ हो, यानी कि जो फेज़ बाहर दिख रही हो, हम वहाँ पे ऐसे पत्थर यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। कोई भी अगर पुराना काम हो उसे रिपेयर करना हो और उसे डिज़ायर्ड शेप देना हो तो हम आर्टिफिशियल पत्थर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये जो पत्थर्स है, यानी कि ये जो स्टोन्स है वो नेचुरली अवेलेबल जो स्टोन होते हैं उससे उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा एटमोसफियर्स का जो प्रेशर होता है वो ये लोग बेयर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे टाइप के पत्थर बेयर कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे आर्टिफिशियल स्टोन के बेनिफिट्स हैं। ओके, तो आज की थियोरी में हमने देखा, यानी कि आज के चैप्टर में हमने देखा कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन किसे बोलते हैं, उस प्लेन ऑफ क्लीवेज किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने देखी,
उसकी फिगर भी देखी। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल पत्थर क्यों यूज़ करते हैं वो सीखा, आर्टिफिशियल पत्थर के टाइप्स देखे, और लास्ट में हमने उसके यूजेस देखे। स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो थर्ड टॉपिक था यानी कि थर्ड यूनिट था रॉक एंड स्टोन, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम एक नई यूनिट के साथ आएगी आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।